सोलन के सरकारी अस्पताल में गायनी डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हुए कोरोना की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से एहतियातन कदम उठाते हुए चिकित्सक को आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन आज सुबह से ही गायनी वार्ड के बाहर इस बात से बेखबर महिलाओं की भीड़ लगना आरंभ हो गई थी। ये भीड़ समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों ने ये जहमत नहीं उठाई कि वे अस्पताल में इलाज करवाने आई गर्भवती महिलाओं को ये सूचना देते कि उनको आज चिकित्सक नहीं मिल पाएंगे। यही वजह रही कि जानकारी के अभाव में वहां गर्भवती महिलाएं घंटों तक बैठी रही, जिससे उन्हें काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। महिलाओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल आकर पता चला कि गायनी डॉक्टर कोरोना संक्रमित है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ये जिम्मेदारी थी कि वह अस्पताल में किसी अन्य चिकित्सक का प्रबंध करते। उन्होंने कहा कि अगर वह प्रबंध नहीं कर सकते थे तो कम से कम ये सूचना तो दे देते कि आज चिकित्सक अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। सर 2-2.5 घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए हम लोगों को, अभी तक ना तो पता लग रहा डॉक्टर बैठा है या नहीं बैठा है, ना हम लोगों को कन्फर्म करवा रहे हैं कि डॉक्टर देखेंगे उनकी एब्सेंस में जो दूसरे डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं या नहीं आए। सर कुछ यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ है, कुछ गायनी से जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ रिपोर्टें दिखानी है। फैसिलिटी तो सर होनी चाहिए, इस डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, जब बड़ा हॉस्पिटल है तो यहाँ फैसिलिटी, कोई डॉक्टर नहीं है तो उसकी जगह कोई डॉक्टर अपॉइंट होना चाहिए जो पेशेंट को देखे, या फिर पेशेंट को मना कर दो ताकि हम लोग भीड़ ना कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री को इस विषय में तो सर करना चाहिए, गौर तो करना चाहिए, पब्लिक को आवाज़ उठाने चाहिए, जो आवाज़ आगे उन तक पहुंचे। हमारे समझ से डिलीवरी है इसके मम्मी को, बस उसके लिए अब कोई डॉक्टर तो ही नहीं है, अब कहाँ जाएगी। इसमें तो बहुत लापरवाही है, ऐसे तो है ना, डॉक्टर एक डॉक्टर बीमार है तो दूसरा डॉक्टर तो होना ही चाहिए। सर हम 10:30 बजे आ गए हुए यहाँ पे, मेरी छोटी सिस्टर की डिलीवरी होनी है, मतलब पूरा टाइम है, तो उन्होंने दवाइयों के बारे में सिर्फ पूछना है, नॉलेज लेनी भी, ये दवाई अब लेनी है कि बंद करनी है, टाइम उनका पूरा है, इसलिए मैं उनकी जगह पे भीड़ में खड़ी हुई हूँ भी वो, ताकि रेस्ट कर सके। पर यहाँ पे गायनी वाले डॉक्टर जैसे पॉजिटिव आए हुए ना, उनकी उनकी सीट पे भी कोई बैठा नहीं हुआ यहाँ पे, तो हम सोच रहे भी दूसरे डॉक्टर के पास नंबर आ जाए, पर हमारी कोई ना लाइन चली हुई ना कुछ नहीं, बस ये दिक्कत आ रही है सर। सर हम चाहते हैं यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, हम तो फिर भी नज़दीक के हम आ जाते हैं, चल देखते हैं भी डॉक्टर बैठे हुए कि नहीं है, पर जो लोग किराया खर्च के आते हैं पूरा दिन यहाँ पे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे 3-4 डॉक्टर होने चाहिए, आजकल जैसे बीमारी चली हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर होने चाहिए ताकि इतनी भीड़ इकट्ठी ना हो। यही बताना चाहते हैं भी जैसे आज कोई डॉक्टर पॉजिटिव आया तो उनकी जगह पे दूसरे दिन ही और डॉक्टर आ जाए उनके सीट पे। सर लापरवाही तो अब प्रशासन की मानते हैं सर, फिर उनको ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए ना, तैनात होने चाहिए डॉक्टर तो खड़े भी, अगर एक पॉजिटिव आए तो दो और यहाँ पे सीट बन जाए एकदम।